तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे और इसी के अंदर हम लोग आगे देखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कुछ मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, थ्योरी तो खैर कंप्लीट हो गई थी हमारी, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, अभी ध्यान से सब लोग देखो, ये मेरे पास एक समझो कैरम बोर्ड है। ठीक है, कैरम बोर्ड से कोई मेरे को ऐसे करके ऐसे शॉट लेना है कि यहाँ से यहाँ जाए, इससे टकराए, फिर यहाँ से यहाँ जाए शॉट, फिर इससे मैं क्या चाहता हूँ यहाँ से ये जो होल है होल के अंदर पहुंच जाए शॉट। समझ गए किस तरह से चाह रहा हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इसको कितने एंगल पे यहाँ से मुझे लॉन्च करना पड़ेगा, बाकी किस तरह से ये टकरा के टकरा के टकरा के ऐसे चले जाए। और ऐसा अज्यूम करना है कि ये जो भी मेरे कोलिजन हो रहे हैं बिल्कुल वैसे हो रहे हैं जैसे लाइट रे के कोलिजन होते हैं, यानी जैसे ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन होता है बिल्कुल उस तरह का रिफ्लेक्शन अज्यूम करना। ठीक है, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, तो ये कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम ही है। इनफैक्ट तीन दो रिफ्लेक्शन की जगह पांच रिफ्लेक्शन ले लो, छह रिफ्लेक्शन, कितने भी रिफ्लेक्शन ले लो, तो तरीका क्या है, वो तरीका अभी ध्यान से समझना है इसमें कि कैसे कर सकते हैं। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं फिगर दिखाते जाऊंगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो क्लियर है ना? ठीक है, क्या लिखा, कैरम बोर्ड कॉइन इज अज्यूम्ड टू बी पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम एन एंड रीचेस एच आफ्टर मेकिंग टू इलास्टिक कोलिजन अज्यूम, एन इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ ई एच इसका। ठीक है, इफ द कोलिजन लीड टू अ मिरर लाइक रिफ्लेक्शन फाइंड द एंगल ऑफ एम एन विद एम ई, तो ये एम एन क्या है मेरा, ये एम एन है और ये एम ई है, ये एंगल मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो अभी ध्यान से देखेंगे। तो देखो हम रिवर्स में प्रॉब्लम को चालू कर रहे हैं, तो सोचो अगर मेरे पास कोई रे ये वाले रिफ्लेक्शन से अगर एच की तरफ आ रही है, ठीक है, तो इसका अगर मैं मिरर इमेज इमेजिन करूं यहाँ पे एच प्राइम, इसका मतलब क्या है, ये रे खुद जो है ये इसकी मिरर इमेज की तरफ जाती हुई दिख रही है, दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से या सिमेट्री से दिख रहा है कि नहीं, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है रे, यानी अगर नहीं रिफ्लेक्ट होती तो सीधी सीधी इसकी मिरर इमेज की तरफ जा रही होती, बात समझ आई कि नहीं। ठीक है, तो ये एक पार्ट हुआ। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या, ये वाली रे को इसकी मिरर इमेज के अलोंग होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो अब इस वाली रे को के अलोंग होना चाहिए, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके इसकी तरफ रे जा रही है, इसका मतलब ये वाली रे सीधी क्या होनी चाहिए, इसकी मिरर इमेज की तरफ जा रही होगी। तो क्या किया, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही थी रे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इसकी मिरर इमेज यहाँ पे डबल प्राइम मैंने कर ली। ठीक है, तो यहां से ये जो रे इसका मतलब ये एच डबल प्राइम की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब तो खत्म हो गया, अब मेरे को ये पता चल गया ये डिस्टेंस कितना है, ये तुम्हारा 2L हो जाएगा, अगर ये ऊपर तक ये स्क्वायर की एल है तो ये 2L हो जाएगा। ठीक है, ये 2L हो गया, अब इसमें देखोगे तो ये भी 2L हो जाएगा, राइट, तो ये वर्टिकल डायमेंशन 2L हो गई और इधर से इधर तक एल बाई टू और ये एल, तो ठीक है, तो टैन थीटा सीधे दिख गया 2L अपॉन एल प्लस एल बाई टू, तो 4/3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये रे को कितने एंगल पे जाना चाहिए, टैन इनवर्स ऑफ 4/3 जो कि 53 डिग्री होता है, राइट, अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। तो ठीक है, तो क्या लिखा, रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग इज अलोंग थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें मान लो ये होता कि अगर मेरे को तीन रिफ्लेक्शन के बाद ई में अगर मेरे को पहुंचाना होता, मतलब क्या चाहता मैं कि यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो, ऐसे रिफ्लेक्ट हो, ऐसे रिफ्लेक्ट हो और फिर इसके अंदर आए, तो भी बिल्कुल इसी मेथड से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तब क्या करते हैं, पहले ई को रिफ्लेक्ट करते, जहां जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है यानी जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें होल को ही रिफ्लेक्ट करते चले जाओ, इधर रिफ्लेक्ट करो फिर ऊपर रिफ्लेक्ट करो फिर पीछे, तो 3 बार ये प्रोसेस कर देंगे, समझ गए, 4 बार होते, 4 बार जितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उतनी बार इस प्रोसेस को हम रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेक अवे की टेक अवे क्या है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है तो इंसिडेंट रे उसकी मिरर रिफ्लेक्शन की तरफ डायरेक्टेड होगी, प्लेन मिरर में। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये ज्योमेट्रिकली प्लॉटिंग के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली टेस्ट में मैंने कम ही देखा है क्योंकि ज्योमेट्री ड्रॉ करने का होता नहीं, जनरली ABCD ऑप्शन ही मार्क करने, तो बट ठीक है समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, बाय मीन्स ऑफ प्लॉटिंग फाइंड द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज फॉर द शोन इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये कोई कॉनकेव मिरर दिख रहा है और यहाँ पे इसका फोकस दिया हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैं क्या जानना चाहता हूँ कोई ऐसे करके ऐसे अगर रे आ रही है तो ये रे फाइनली कहाँ पे फोकस होगी, यानी इसका पाथ कैसा होगा ये निकालना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक सिंगल रे की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक बंडल ऑफ रेज इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो खूब सारी रेज जा रही है तो इसका कोई ना कोई मेंबर तो ऐसे फोकस से भी पास हो रहा होगा, राइट, और जो मेरा पैरेलल बीम है ये कहाँ पे हमारा फोकस होता है, ये हमारा फोकल प्लेन में फोकस होता है, राइट, तो जो फोकस से पासिंग मेंबर होगा वो हॉरिजॉन्टली चला जाएगा और फोकल प्लेन में मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये कोई पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट लोकेट हो गया, अब इसके बाद तो फिर कोई भी मेंबर को आराम से निकाल सकते हो, तो टकराने के बाद इसी के थ्रू पास करने, तो बस इसके पैरेलल वाली रे को क्या करेंगे इसके थ्रू पास करा दे, समझ में आया। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर जब दूसरा वाला केस है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या कर सकते हैं, जो ये वाली जो रे आ रही है इसके पैरेलल कोई ना कोई मेंबर तो अज्यूम कर सकता है ना जो फोकस से पास कर रहा होगा, और इसका फोकस क्या होगा पीछे की तरफ होगा, राइट, तो ऐसे कोई मेंबर अज्यूम कर लिया जो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है,
फोकस की तरफ डायरेक्टेड है वो क्या होगा, यहाँ पे जो फोकल प्लेन है इसे मतलब टकरा के ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा होगा, और इसको एक्सटेंड करोगे तो कहीं पे फोकल प्लेन में कोई पॉइंट पी आएगा, ठीक है, यहाँ पे पीछे की तरफ आएगा। समझ में आई बात के लिए? जैसे कॉनकेव मिरर में सामने की तरफ आया तो इसे पीछे की तरफ कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे जिससे सारी रेस डाइवर्ज होती हुई दिख रही होंगी। तो ये पॉइंट लोकेट हो गया फोकल प्लेन में, उसके बाद तो क्या करो, ये वाली रे को फिर से डाइवर्ज करा दो तो ये मेरा इसका पाथ ट्रेस हो गया। तो समझ में आया कि नहीं कैसे रे ट्रेसिंग की हम लोगों ने? ठीक है, क्लियर। वापस इरोडो का एक और क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे मिरर की लोकेशन निकालनी है और मुझे कॉन्जुगेट पॉइंट्स दे रखे हैं। कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं, तुम्हें पता है कि एक जगह ऑब्जेक्ट रखो तो एक जगह इमेज बनती है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा इमेज है कहने की जरूरत नहीं है। इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उधर इमेज बनेगी, उधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इधर इमेज बनेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट्स। तो पी और पी प्राइम दो कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हमको क्या करना है, हमको मिरर लोकेट करना है और उसका फोकस बताना है कहाँ पे, ठीक है। मिरर लोकेट करना है और उसका फोकस कहाँ पे होगा ये हमको लोकेट करना है। फोकस या फिर फोकल पॉइंट, तो ठीक है, मतलब बेसिकली फोकल पॉइंट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट हो गया तो उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट और इमेज को जो जोड़ने वाली लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ काटेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में काटेगी। सोच के देखो, कभी भी मिरर होता है तो ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वही एज इट इज पीछे की तरफ रिट्रेस करती है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इस रे के ऊपर कहीं ना कहीं तो लाई करेंगे। देखो समझ में आई बात के लिए? तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मेरे को सीधे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे देगी। समझ में आई बात की नहीं? तो इस केस में ऐसे जोड़ दूंगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा सीधे सीधे। ऐसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आगे जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 2 मिनट में ऐसे आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया और पोल मिल गया तो मेरा काम चल जाएगा। तो पोल कैसे निकाल सकते हैं वो भी ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अगर मान लो मेरा इधर ऐसे करके ऐसे कोई मिरर है मेरा, लेटर से पोल से जो ऐसे करके ऐसे रे आएगी वो मतलब इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, इज इट नॉट, मतलब ऐसे करके ऐसे पोल से इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। इसका मतलब क्या है, हाँ यहाँ पे एक चीज देखो, लेट मी शो यू। तो मेरे पास क्या है, ये पी मेरा एक पॉइंट है और ये पी प्राइम मेरा कॉन्जुगेट पॉइंट है, ये दोनों दे रखते थे मुझे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से बराबर एंगल पे ऐसे करके ऐसे कोई रे जा रही होगी। तुम सोचो इसका अगर मैं इसके अंदर वाटर इमेज ले लूँ, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर वाटर इमेज ले लूँ, तो P प्राइम और इसकी जो वाटर इमेज है इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी वो पक्का पोल में इंटरसेक्ट करेगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ज्योमेट्री से, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर तुम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, जितना नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तुम्हारा इमेज बन रहा है, मानो P प्राइम ऑब्जेक्ट और P मेरा इमेज है, तो जितना नीचे इमेज है इतना ही ऊपर एक और पॉइंट इमेजिन करो, तो ये पॉइंट और P प्राइम को जोड़ने वाली जो लाइन है ये पक्का पोल में इंटरसेक्ट करेगी, तभी ये दोनों एंगल्स बराबर। समझ में आई बात के लिए? तो अभी क्या है, मेरे को ये पॉइंट तो मालूम है, तो अभी इसको इसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर लो या फिर इसको नीचे रिफ्लेक्ट करो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, यानी कि क्या है, जो इमेज की वाटर इमेज, इमेज की वाटर इमेज से जो जोड़ने वाली लाइन है ऑब्जेक्ट को, वो मेरी कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पोल में इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो बस इसका यूज करके मैंने क्या किया, इसको इसमें रिफ्लेक्ट किया और इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास पोल आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ के आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, पोल आ गया, अब तो बस बाइसेक्ट करना है तो फिर फोकस भी आ जाएगा। तो समझ में आया तरीका, ठीक है, क्लियर है कैसे लोकेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ओके, अब इसी तरह से सेकेंड केस में देखो, तो सेकेंड केस में भी क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, और फिर क्या करोगे, इसको रिफ्लेक्ट करके ऐसे ऐसे ले जाओगे तो फिर ये क्या आ जाएगा, इसके रिफ्लेक्टेड नीचे पी पी डबल प्राइम, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, पोल आ जाएगा। और पोल पता चल गया और तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया तो पूरी ज्योमेट्री पता चल गई, ठीक है। तो सेकेंड केस में भी यही किया, तो जो पी है उसको पी प्राइम से जोड़ दिया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है। और फिर क्या किया, पी प्राइम की मिरर इमेज यहाँ पे ले ली, वाटर इमेज बेसिकली, और इन दोनों को जोड़ दिया तो पोल आ गया, अब मेरे को नेचर पता चल गया। समझ गए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। और रियल ऑब्जेक्ट तो एक कॉन्वेक्स मिरर होगा, बाकी अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में मेरे पास ऑप्शन है कि रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है, तो ऑल आई कैन से इज कि मिरर मिरर की शेप ये है। अब ये पॉलिश इस साइड पे भी हो सकता है उस साइड पे भी हो सकता है, तुम्हें पता है कि रे डायग्राम तो एक जैसा ही बनता है, बस डॉटेड और सॉलिड लाइंस का फर्क पड़ जाता है, इज इट नॉट। बात समझ आई कि नहीं? तो दिस कुड बी कॉनकेव मिरर ऑल्सो और कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो, तो उसके नेचर पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे अनलेस हमें बोल रखा हो कि ऑब्जेक्ट मेरा रियल है या वर्चुअल है। समझ में आई बात कि नहीं? इट कुड बी एनी शेप, ठीक है। क्या लिखा, तो ठीक है, नोट दैट वी कैन नॉट कमेंट ऑन द नेचर ऑफ मिरर, एनी फेस कुड बी पॉलिश, टू एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉलिश साइड वी नीड टू नो वेदर द ऑब्जेक्ट इज रियल और वर्चुअल। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया होगा एग्जाम्पल सभी को, क्लियर। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, बेसिकली सिंपल सी ही बात है, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से हम लोगों ने, याद करो एओडी जब हम कर रहे थे तब उसमें हमने स्नेल्स लॉ डराइव किया था,
तो हमने क्या बताया था कि फर्मैट्स प्रिंसिपल के हिसाब से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब लाइट जाती है तो वो क्या लेती है, स्टेशनरी पाथ। और स्टेशनरी पाथ को मैंने क्या डिफाइन किया था कि उसका डेरिवेटिव जीरो। डेरिवेटिव जीरो कब होता है, या तो वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या फिर प्लाटू हो। इधर तो जनरली जब मिरर से हमारी इमेज बनती है तो प्लाटू वाला केस होता है, क्योंकि क्या होता है ऑब्जेक्ट से कुछ रेस चलती हैं, मिरर से टकराती हैं और फिर इमेज पे जाके फोकस होती है। लेकिन बहुत सारी रेस फोकस होती है, इसका मतलब क्या है, ये रेस कोई यूनिक पाथ नहीं ले रही है। यूनिक पाथ नहीं ले रही, इसका मतलब क्या, जितने भी पाथ ले रहे हैं उन सबका टाइम बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं डीजेनरेट, समझ रहे कि नहीं। तो या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। स्टेशनरी पाथ का मतलब कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम या डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब इक्वल टाइम। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल सही है, मैं डायरेक्टली बता ही देता हूँ। तो क्या है, मेरे को जो ऑब्जेक्ट रखा है मैंने कहाँ पे रखा है, माइनस ए ई कॉमा जीरो पे रखा है, ठीक है। और इमेज कहाँ पे चाहिए मुझे, ए ई कॉमा जीरो पॉइंट पे चाहिए, ठीक है। एक्चुअली इलिप्स बनाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने ए इंटू ई लिया, नहीं तो जनरल पॉइंट भी कुछ ले सकते थे। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मिरर का क्या शेप होना चाहिए ताकि इधर से मिरर से टकरा टकरा के ऐसे रेस यहाँ पे जा रही, समझ गए। आई वॉन्ट टू नो द शेप ऑफ द मिरर। तो सिंपल सी बात है, मिरर की शेप क्या होगी, क्योंकि टकरा टकरा के यहाँ पे बराबर टाइम लगना चाहिए, बराबर टाइम लगना चाहिए, तो इसमें मतलब पाथ लेंथ भी बराबर होना चाहिए। और इसी से डायरेक्टली समझ में आ गया कि इट शुड बी एन इलिप्स, राइट। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, हम चाहें तो कोऑर्डिनेट से इलिप्स को वेरीफाई कर सकते हैं, बट या तो डेफिनेशन से ही दिख रहा है सीधे सीधे वो इलिप्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगानी है तो एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट हो, इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, दोनों का सम कांस्टेंट कर दो, तो वो तुम्हारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब इसको राइट साइड पे लेके जाओ, होल स्क्वायर करो, रीअरेंज करो, तो वापस तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन टाइप की इक्वेशन आएगी, अगर इन दोनों का सम टू ए रखना है, बाकी तो इट विल बी फैमिली ऑफ एलिप्सिस, राइट। कोई यूनिक मिरर नहीं होगा, देयर कैन बी इनफाइनेटली मेनी मिरर्स, बस यहां से यहां तक का सम तो कांस्टेंट रखना है। तो एक ऐसा इलिप्स हो सकता है, एक से बड़ा इलिप्स हो, दो फोकाई के ऊपर, दो फिक्स पॉइंट के ऊपर हम कितने भी सारे इलिप्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि करना क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रस्सी जोड़नी और बीच में कंपास लेके घुमाना, तो रस्सी ज्यादा लंबी कर दो, छोटी लंबी कर दो, तो इट विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल मिरर्स। बट समझ में आ रहा है ना, ये हर एक होगा लेकिन इलिप्स, इलिप्टिकल मिरर होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्फेरिकल मिरर से काम चलाते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्फेरिकल मिरर से तो कभी भी मेरे पास करेक्ट इमेज नहीं बनेगी, 100% करेक्ट तो कभी भी नहीं बनेगी, अलग अलग पॉइंट के लिए इलिप्स भी अलग अलग चाहिए होगा, समझ गए। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो कुछ अलग इलिप्स चाहिएगा, ऑब्जेक्ट वहां रखा है तो कुछ अलग इलिप्स चाहिए होगा, लेकिन हम क्या, हम सब जगह स्फेरिकल मिरर से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। और वो स्फेरिकल, समझ गए कि नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये जो है इलिप्स की इक्वेशन है, मैंने रीअरेंज करके दिखाया नहीं, बट डी जो होता है तुम्हारा ए इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर होता है इलिप्स के लिए। डी सेमी माइनर एक्सिस होता है, ए सेमी मेजर एक्सिस होता है। और अगर इसको 2a रख दोगे तो फिर ये वही फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट ये थीम मालूम होना चाहिए सब लोगों को। तो क्वेश्चन क्या है और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है समझाता हूँ। वो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिश्ड कोन है, समझ गए, इसका ये वाला सरफेस भी सिल्वर्ड है और ये वाला इनफैक्ट है तो पूरा कोन है तो पूरा सर्कुलर होगा, बट देखने के लिए दो मिरर जैसा भी सोच सकते हो कि जैसे दो मिरर के बीच में वेज बनी हुई है, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिफ्लेक्शन फर्क नहीं पड़ता ना कि कोनिकल शाइनिंग सरफेस है या फिर ऊपर में एक प्लेन मिरर और नीचे एक प्लेन मिरर है, उसके बीच में वेज बनी हुई है, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके टकराती रहेगी, राइट। और टकराते टकराते क्या होगा, फिर उसके बाद बाहर निकलने लगती है और फिर उसके बाद फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं होंगे, कहीं ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी, राइट। और मैं इवेल्युएट करना चाहता हूँ कि टोटल कितने रिफ्लेक्शन होंगे। तो एक तरीका तो तुम्हें पहले मैंने बताया, जो एपी बनती है सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस की, है ना, बीटा फिर बीटा माइनस थीटा एंड सो ऑन। एक अल्टरनेट तरीका है, एक ज्योमेट्रिकल टेक्निक है, वो अभी तुम लोग समझो कि वो क्या क्या टेक्निक है। तो क्वेश्चन क्या, पहले पढ़ता हूँ फिर उसका ज्योमेट्रिकल टेक्निक समझाता हूँ। क्या लिखा मैंने, क्वेश्चन क्या, इन फ्री स्पेस अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट टी इन द एक्सिस ऑफ फिक्स्ड रिजिड कोन एओबी एट एन एंगल 37 डिग्री। मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है बट फर्क नहीं पड़ता, ऑप्टिक्स जैसे रिफ्लेक्शन हो रहे तो बिल्कुल ऑप्टिक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकते हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस है ऐसा मानना है, ठीक है, 37 डिग्री पे ऐसे लॉन्च कर दिया। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टी फ्रॉम एपेक्स इज x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर दूर से ऐसे फेंका मैंने, ओके। और क्या दे रखा है, एपेक्स एंगल, ये पूरा एंगल जो है मेरे को बीटा दिया हुआ है पूरा, ठीक है, पूरा सेमी वर्टेक्स नहीं, पूरा एंगल बीटा 20 डिग्री। ऑल कोलिजन ऑफ द बॉल विद द कोन आर परफेक्टली इलास्टिक, ये सब इलास्टिक कोलिजन करते जा रहा है, लिखना चाहिए ग्रेविटी फ्री, पता नहीं क्यों नहीं लिखा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द बॉल फ्रॉम द एपेक्स, ये पूछा है कि सबसे नजदीक कितना आएगा, ये पूछा हुआ एक पार्ट। और क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स विद द बॉल कोलाइड विद द फोन, कितनी बार टक्करे लगेंगे, ये पूछा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या, अभी बहुत ध्यान से देखना।
तो मैंने ये तो बता दिया कि अगर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो उसमें ये दिस इज एज गुड एज दैट टू मिरर प्रॉब्लम, जहाँ पे कॉमन एज के साथ दो, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो ऐसे हो रहे हैं, बाकी का सरफेस तो कोण का यूज ही नहीं हो रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही हो रहा है, तो इट्स एज गुड एज टू प्लेन मिरर प्रॉब्लम। उसी के अंदर अगर रिफ्लेक्शन मुझे निकालने हैं तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखनी होगा, क्या यहां से मेरी रे आएगी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस ज्योमेट्री को मॉडल करने के लिए, इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग द रे मैं क्या करूँ, ऊपर वाले मिरर को ही नीचे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। मान लो ऊपर वाले मिरर को मैंने नीचे रिफ्लेक्ट कर लिया और इस रे को मैं सीधे सीधे निकाल दूंगा, तो इसका जो इस वाले मिरर पे इंसिडेंस एंगल होगा वही होगा जो रिफ्लेक्टेड रे का इस वाले मिरर पे इंसिडेंस एंगल होगा। बात समझ आएगी? तो इसका मतलब क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट इंसिडेंस एंगल इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग द रे आई कैन रिफ्लेक्ट द मिरर। बात समझ आएगी नहीं? इस मिरर को नीचे फ्लिप करके लगा दो, राइट, तो ये बीटा टू बिल्कुल वही होगा जो ये बीटा टू है। समझ में आई बात की नहीं? अगला रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे देखो ये स्पेस है, इस स्पेस की मिरर इमेज ये है, इज इट। फर्दर अगला रिफ्लेक्शन निकालना है तो मुझे पता अगला रिफ्लेक्शन इस वाले से होगा, इस तो ये रिफ्लेक्ट वापस इस रे को रिफ्लेक्ट ना करके मैं क्या करूँ इस वाले मिरर को दोबारा से रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, उस रे को अभी भी सीधा लेके जा चला जाऊं, तो बात एक ही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑन फ्लिपिंग द रे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन कीप ऑन फ्लिपिंग द मिरर। समझ गए? तो क्या जैसे इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली दिखाऊं, तो ये देखो, तो यहाँ पे इस रे को मैं सीधे लेके आया था और ऊपर वाले मिरर को यहाँ पे फ्लिप करके लगा दिया था, ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो इस वाले मिरर को फ्लिप करके लगा लो। समझ में आ रही है बात की नहीं? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द इंसिडेंस एंगल्स दिस इज एज गुड एज द ओरिजिनल प्रॉब्लम, इज इट। तो आप क्या है, अब इसको फिर फ्लिप करके लगा लिया, इसके बाद फिर अगला रिफ्लेक्शन करना है तो फिर इसकी मिरर इमेज ले ले लो, इसे मिरर इमेजेस लेते चले जाओ और इस रे को बिल्कुल सीधे निकालते चले जाओ, तो होगा क्या, करते करते फर्दर ऐसा कुछ मिरर इमेज आएगा कि ये दोबारा फिर इससे टकराएगा नहीं, तब उसके बाद फर्दर रिफ्लेक्शन बंद हो जाएंगे। तो समझ में आई बात की नहीं? तो इंस्टेड ऑफ कोन के अंदर भी, इंस्टेड ऑफ बार बार रे को फ्लिप करते रहे रिफ्लेक्शन में, हम क्या करते हैं कोन को ही फ्लिप करते चले जाए, ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ, क्या लिखा, सिस्टम ऑफ टू मिरर्स जॉइंट एट एन एज फॉर फाइंडिंग सक्सेसिव एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग द इंसिडेंट रे वी कैन रिफ्लेक्ट द नेक्स्ट मिरर इन द फर्स्ट मिरर एंड अज्यूम रे टू बी मूविंग स्ट्रेट, ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन द एडजेसेंट फिगर फॉर फाइंडिंग बीटा टू इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग द रे सीए, सीए को रिफ्लेक्ट ना करके वी रिफ्लेक्ट द मिरर ओ इन्फिनिटी को रिफ्लेक्ट करके ओ इन्फिनिटी डैश बना लिया एंड रे सीए इंटरसेप्टेड एट पी डैश, तो यहां पे बी की जगह बी डैश को इंटरसेप्ट कर लिया, एक ही बात है, ठीक है। हमें कैन इजली सीन दैट ट्राइंगल OBA और OB डैश A जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, सिंपल ज्योमेट्री में कर नहीं रहा प्रोसेस को रिग्रेसिव, बट दिख रहा है डायरेक्टली, ठीक है, हेंस द इंसिडेंस एंगल ऑन ओ इन्फिनिटी डैश इज ऑल्सो बीटा टू, ये सेम एंगल है। दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर गेटिंग सक्सेसिव एंगल्स ऑफ द इंसिडेंस, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा थ्री निकालने के लिए क्या किया, वी कैन नाउ रिफ्लेक्ट द मिरर OC, अब ये मिरर OC कौन सा, ये OC मिरर है, इसको फिर से रिफ्लेक्ट कर लिया इसके अंदर, ठीक है, टू फॉर्म द मिरर OA डैश ये बना लिया एंड स्टिल कंटिन्यू टू मूव द रे स्ट्रेट, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो वर्टेक्स के पास में आ रही थी, इसके बाद ये वर्टेक्स से दूर जाना शुरू हो गई रे एक तरह से, तो ये भी समझ में आ रहा है कि आउटवर्ड मोशन शुरू हो गया अभी रे, ठीक है, वर्टेक्स के पास आती जाती है उसके बाद दूर दूर होती चली जाती है, ठीक है, तो क्या लिखा, दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सक्सेसिव एंगल्स ऑफ इंसिडेंस By the ray diagram consideration, the cone problem is essentially the same as the two mirror problem, and we can keep flipping the cone successively to get the required angles of incidence. समझ में आया? कोन को बार बार फ्लिप करते रहो तो क्या होगा, तो ये मेरा असली कोन तो मेरा ऐसा है, ठीक है, तो ये मेरा असली कोन है, इसके बाद इसको फ्लिप किया, यहाँ से अल्फा एंगल पे रे चलती जा रही है, इसको सीधे ही निकालते चले जाओ, फिर कोन को फ्लिप किया, 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 समझ में आ रहा है क्या करते जा रहे हैं, उसी प्रोसेस को बार बार करते जा रहे हैं, तो कोन को रिपीटेडली फ्लिप करते जा रहे हैं और इस रे को बिल्कुल सीधा सीधा निकाल देते, नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर डाल दोगे इसके ऊपर, ये डिस्टेंस तुम्हारा एक्स है तो ये क्या आ जाएगा, एक्स साइन अल्फा आ जाएगा, समझ गए, तो इससे मेरे नियरेस्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा, कोई कोलाइडिंग बॉल का एपेक्स के नियरेस्ट कितना जाएगा, समझ में आया। अब नंबर ऑफ कोलिजंस निकालने हैं तो उसके लिए अभी ध्यान से देखना, तो अभी थोड़ा सा फोकस करना है इसके ऊपर, तो ये एंगल मेरा कितना है, ये बीटा बाई टू है, राइट, ठीक है, अब कोलिजन कब तक होते रहेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने ये जो मेरी स्ट्रेट रे जा रही है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, जब तक मेरा जो मिरर जो बन रहा है फ्लिप मिरर, जब तक ये इसके इस साइड में पड़ रहा है तब तक तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन इसके इस साइड में पड़ रहा है तो कोई फर्दर इंटरसेक्शन नहीं होगा, बात समझ आएगी, इसका मतलब क्या, अच्छा ये एंगल मेरा, ये वाला एंगल अल्फा है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल भी मेरा अल्फा, इसका तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा,
इसका मतलब क्या है, पहला एंगल मेरा बीटा बाई टू प्लस, मान लो टोटल रिफ्लेक्शन मेरे एन हो रहे हैं, ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन तो ये बीटा बाई टू और प्लस एन माइनस वन बीटा, ये मेरा एन माइनस वन बीटा, दिस शुड बी लेस देन ये वाला टोटल एंगल, पाई माइनस अल्फा से छोटा होना चाहिए। बात समझ आएगी नहीं, पाई माइनस अल्फा से जब तक छोटा है तब तक रिफ्लेक्शन होगा, अगर बड़ा होगा तो फिर फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पहला रिफ्लेक्शन जो है वो बीटा बाई टू पे होगा, उसके बाद फिर बीटा 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 ऐसे ऐड होते जा रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं, ये बीटा बाई टू फिर ये तो यहाँ पे ये एन माइनस वन बीटा होगा, ठीक है, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, राइट। तो क्या लिखा मैंने इसके बाद, तो क्या लिखा, तो बीटा बाई टू प्लस एन माइनस वन बीटा, दिस शुड बी लेस देन पाई माइनस अल्फा, तो बस अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो तो समझ गए, तो ये आ गया मेरे पास, तो n इज लेस देन दिस, अब n लेस देन दिस से तो बात नहीं बनी, हमें एग्जैक्ट इंटीजर नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, ये जो भी नंबर आ रहा है, लेटर से ये आ रहा है मेरे पास 7.18, तो इसका तो क्या 7 होगा, 0.18 का तो कुछ मतलब नहीं है, तो क्या करोगे उसका GIF लगा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन वॉट एवर दिस वैल्यू, तो ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा दिया, विच मीन्स GIF ऑफ दिस नंबर, तो अपने क्वेश्चन के अंदर इनकी वैल्यूज डालोगे, अल्फा बीटा दे रखा है उसको डालोगे, तो ये क्या आ जाता है टोटल 7 रिफ्लेक्शन आ जाए, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इससे हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं, ओके। तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो ओपी साइन अल्फा एक्स साइन अल्फा, ये जो भी है ये 6 सेंटीमीटर हमारा आ जाता है, ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ओके, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है, वापस पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन द अरेंजमेंट शोन S1 एंड S2 आर टू पॉइंट लाइक सोर्सेस प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस PA ऑफ द लेंस L ऑफ अननोन नेचर, तो ये मेरा कोई लेंस है, ठीक है, इसके ऑप्टिकल एक्सिस पे मैंने क्या रखा, अरे तो सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे देखो, तो इसके ऑप्टिकल एक्सिस पे मैंने S1 एक सोर्स रखा है, S2 एक सोर्स रखा है, ठीक है, ये मेरा लेंस है और इसकी इमेज जो है S1 की इमेज यहाँ पे I1 बन रही है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली मेरे को पता है, और क्या दे रखा, OS1, S1, I1 और I1, S2, ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर दे रखे हैं मुझे, ठीक है, और मुझे क्या करना है, समझो तुम्हारे पास बस एक स्ट्रेट एज और कंपास है, जैसे ज्योमेट्री की प्रॉब्लम में कई बार होता है, और तुम ये लोकेट करना चाहते हो कि S2 की इमेज कहाँ पे बनेगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई, मुझे स्ट्रेट एज और कंपास खाली अगर दिया हुआ है तो मुझे ये लोकेट करना है कि S2 की इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है, तो एक तुम लोगों को रे डायग्राम सोचना है सुटेबली, तो वो खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन समझ में आई, स्टेटमेंट क्या है, क्या लिखा है, इन द अरेंजमेंट शो S1 एंड S2 आर टू पॉइंट लाइट सोर्सेस प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस PA ऑफ लेंस L ऑफ अननोन नेचर, इसका नेचर भी नहीं पता है, अननोन लेंस है, ठीक है, एंड I1 इज द इमेज ऑफ द सोर्स S1, ठीक है, इसकी ये इमेज है, डिस्टेंस है S2 I1, I1 S1 एंड S1 O आर इक्वल, ड्रॉ रे डायग्राम टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ सोर्स S2 एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इमेज, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है, फॉर दैट मैटर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती तो भी रे डायग्राम तुम बना सकते हो, ठीक है, तो डोंट थिंक कि मतलब ठीक है नोन है तो मैं एग्जैक्टली वैल्यू भी बता सकता हूँ, बट इन जनरल कैसे करते हैं, तो ट्राई टू मेक अ जनरल रे डायग्राम विच विल हेल्प यू लोकेट द इमेज, क्लियर है स्टेटमेंट, तो सोचो, सॉरी आई एम सॉरी, इनफैक्ट तुम लोग मिरर के लिए करो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पाथफाइंडर का वैसे एक्चुअल क्वेश्चन लेंस के साथ था, बट आई वॉन्ट यू टू डू इट विद द मिरर, मिरर के साथ करो इसको, सो लेट मी जस्ट ये फिर पाथफाइंडर का रहा नहीं ना क्वेश्चन, ये तो पाथफाइंडर का डेरिवेटिव हो गया, ठीक, तो लेट मी जस्ट राइट अ मिरर, यहाँ पे लिख देता हूँ मिरर, हाँ मिरर पढ़ा रहा हूँ तो मिरर होना चाहिए, दिस शुड बी मिरर, दिस इज अ मिरर, हाँ अभी ट्राई करो, वो गलती से मैंने देखा नहीं, वो लेंस का क्वेश्चन लेकिन किया मैंने मिरर की तरह से, तो ठीक है मिरर मान लो कर लो, इसको एल की जगह एम कर देता हूँ फिर, जस्ट राइट एंड रिमूव देयर हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो पॉइंट जैसे दे रखा है, तो मुझे पता है पॉइंट की जगह अगर एक्सटेंडेड मेरा इमेज होता या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो कैसा रे डायग्राम बनता, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड होता, ठीक है, तो इसकी टिप से जो मेरी ऑप्टिकल सेंटर की जगह यहाँ पे पोल बोलूँ, पोल के ऊपर जो पड़ती रे वो उतने ही एंगल पे इंक्लाइन होती, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से I1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस का, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, और इससे कोई रे लेके जाऊंगा, और जितने एंगल पे सेम एंगल तो बना सकते हैं ना कंपास और स्ट्रेट एज से, तो उसी एंगल पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो इसका यूज करके मुझे पता चलेगा कि क्यू का जो कॉन्जुगेट पॉइंट है वो क्यू प्राइम है, क्यू और क्यू प्राइम को मैंने अगर जोड़ दिया तो मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, इतनी बात समझ में आई,
अब मुझे क्या है, अब मुझे मिरर की लोकेशन पता है और सेंट्रल कर्वेचर की लोकेशन पता है, ठीक है। मैं चाहता था इसी फिगर में आगे का भी काम कर सकता था, बट मैंने जान के कीप इट क्लीन, मैंने सेपरेट फिगर बनाई है। तो सेंट्रल कर्वेचर पता है और मेरे को पोल पता है मिरर का, तो अभी क्या करोगे? तो अभी एक रे यहाँ से पोल के ऊपर लेके जाओ, उसको इक्वल एंगल पे यहाँ पे निकाल दो, ठीक है, समझ में आई बात के लिए, ठीक है। और एक जो है सेंट्रल कर्वेचर से लेके जाओगे वो सीधी एज इट इज वापस आएगी, तो क्या इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उससे मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। और बाकी एनालिटिकल करना है तो एनालिटिकल तो बहुत ही आसान है, OS1 इज इक्वल टू S1 I1, ये दे रखा है मुझे, ये तीनों बराबर दे रखे हैं, ये बराबर दे रखे हैं। तो पहले के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन दोनों पता है, तो 1/v + 1/u = 1/f करके सीधे फोकल लेंथ मिल जाएगी। और दूसरे के लिए क्या है, ये तुमको पता है 3x है, तो u की वैल्यू तुम्हारी -3x हो जाएगी, उसके बाद v की वैल्यू मिल जाएगी। तो एनालिटिकल तो मेरा बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। पहली इंफॉर्मेशन से फोकल लेंथ आएगी और उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे में पुट करेंगे तो मेरे पास इमेज की लोकेशन आ जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया। हाँ, इनफैक्ट एक और प्रपोज किया, जैसे साहिल ने प्रपोज किया मेथड, क्या इधर से लेके जाए, ये ऐसे जाए, ठीक है, इसके बाइसेक्टर जो होगा वो मेरा सी से पास करेगा, तो ये ठीक है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी स्मार्ट मेथड, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, सेंट्रल कर्वेचर लोकेट हो गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। देखना पड़ेगा। तो हम काफी फिर इस डिस्कशन के साथ में उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा ऑप्टिक्स के अंदर और चीजें हैं, जैसे लेंसेज है, प्रिज्म है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें और हैं। तो ये सब चीजें 12th क्लास के एंड में, टुवर्ड्स द एंड आनी चाहिए, अभी ट्रैक में तुम लोगों के आ जाएगा जब भी मिलेगा तुमको, तो वो सब चीज हम लोग बाद में करेंगे। अभी बस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था तुम लोगों का स्टार्टिंग, तो वो हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।